दौरान ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्ठा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों को केंद्र सरकार और अन्य राज्यों के तहत यहां पर तरह ही राजस्थान भी सहायता राशि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना जीवन देश को समर्पित कर देता है, कम से कम उसके परिवार को संभालना हम सभी का दायित्व हो जाता है और इससे शहीद का सम्मान तो होता ही है, साथ ही नई पीढ़ी भी और अधिक जोश और उत्साह से सेना में भर्ती होने के लिए तैयार होती है। एमएस बिट्ठा से बात की संवाददाता राजीव कौर ने। देश भर के शहीदों के लिए, देश भर के सैनिकों के लिए और उनके परिवारों के लिए सरकारें भले कितना ही बोले पर उतना नहीं कर पाती है जितना करने की जरूरत है, मगर इस इशू को लेकर हमेशा जहाँ भी जाते हैं वो अपनी सक्रियता दिखाते हैं। और उनका नाम है एसएस बिट्टा, जो कि ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। इस वक्त मिस्टर बिट्टा हमारे से बात करते हैं कि आपको लगता है कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को तालमेल बिठा करके शहीद परिवारों के लिए बहुत कुछ करने की दरकार है? नहीं, बड़ा कुछ हुआ है पिछले समय में, सरकारों ने बहुत कुछ किया है। अब शहीद परिवार को 1-1 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट से राशि मिल रही है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, ये 1-1 करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट राशि दे रही, हरियाणा सरकार 50 लाख रुपया राशि दे रही। पहली बात तो ये है कि आने वाले टाइम पे लगता ही नहीं कि कोई शहीद होगा। हमारी टेररिज्म के ऊपर इतनी सख्त पॉलिसी बन चुकी है और 370 धारा हटने के बाद आतंकवाद से काफ़ी हद तक ये राष्ट्र मजबूत हो चुका है। घुसपैठ कम हुई है पिछले कुछ सालों? बिल्कुल, टेररिज्म कंट्रोल हुआ। घुसपैठ क्या, बड़े डरते हैं आज वो, हिंदुस्तान का जो हमारा सिस्टम है सुरक्षा का, हमारी फोर्सेज है, वो डरते हैं। हम तो तैयार खड़े हैं, हम कुछ कहेंगे नहीं, अगर एक गोली चलाएंगे 100 गोली का जवाब देते हैं और देते रहेंगे। हर मौसम में जवान मुस्तैद रहते हैं, लेकिन इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ती है, फिर भी जवान मुस्तैद, उन जवानों को क्या संदेश देंगे? नहीं, जवानों का संदेश क्या, जवानों के सिर पर हम सोते हैं वो जागते हैं, उनका तो राष्ट्र के प्रति एक सेवा है वो पूरा करते हैं, हम उनको सलूट करना चाहते हैं, पूरा देश उनको सलूट करता है। बस ये है कि भगवान के आगे यही प्रार्थना रहती है कि हमेशा हमारे जवान सुरक्षित रहें और हमारी सेवाओं को सुरक्षित रखें। साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि जो घुसपैठ कम हुई है और जिस तरीके से जब हम सोते हैं उस वक्त हमारे जवान जागते हैं, इसलिए उनको सैल्यूट किया है। सुखवंत सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।